नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी की एक और न्यू वैकेंसी की, जिसमें कि आपकी बड़ी धांधलीबाजी देखने को मिल रही है। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो किसी प्रकार के जॉब अपडेट, वैकेंसी अपडेट या रिजल्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारा चैनल नितिजन ट्यूटर सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़ जाएं, ताकि आने वाली कोई भी न्यू वैकेंसी की अपडेट आप तक पहुंच सके। तो आइए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हरियाणा की 2009 की पुलिस इंस्पेक्टर की भर्ती के बारे में। आइए हम इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। परीक्षा देने वाले सभी उम्मीदवारों की उपस्थिति सीट व ओएमआर शीट की फोटो कापी तलब। हाई कोर्ट तय करेगा पूरी भर्ती निरस्त हो या जिनके चयन में धांधली मिली केवल उनका चयन। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग एसएससी द्वारा 2009 में उपेंद्र सिंह हुड्डा के शासन के दौरान हुई पुलिस इंस्पेक्टर की भर्ती प्रक्रिया में प्रथम दृष्टया धांधली की बात पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने रेखांकित कर दी है। हाई कोर्ट के आदेश पर सरकार की तरफ से कुछ उम्मीदवारों की ओएमआर शीट कोर्ट में पेश की गई। कोर्ट ने उन शीट को देखने के बाद राज्य कर्मचारी चयन आयोग को आदेश दिया कि वह इस भर्ती की 15 फरवरी 2009 की परीक्षा देने वाले सभी उम्मीदवारों की उपस्थिति सीट व ओएमआर की फोटोकॉपी कोर्ट में पेश करे। सुनवाई 31 मई तक स्थगित कर दी। उपस्थित सीट व ओएमआर शीट देखने के बाद हाई कोर्ट इस पर निर्णय लेगा कि क्या पूरी भर्ती को रद्द किया जाए या जिनके चयन में धांधली मिली है सिर्फ उन्हीं की भर्ती रद्द की जाए। इंस्पेक्टर पदोन्नत होकर वर्तमान में राज्य पुलिस में डीएसपी के पद पर कार्यरत हैं। जस्टिस जयश्री ठाकुर की पीठ ने करनाल के अमित कुमार और दो अन्य लोगों द्वारा दायर 3 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा, पुस्तिकाओं के साथ साथ मौखिक परीक्षा के अंक प्रथम दृष्टता यह दर्शाते हैं कि चयन प्रक्रिया में कुछ तो गड़बड़ है। अमित कुमार ने अपनी याचिका में कहा कि हरियाणा पुलिस में 20 इंस्पेक्टर की भर्ती किया गया था। 20 में से 9 पद सामान्य वर्ग के थे। इन 9 पदों पर हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री के रिश्तेदारों सहित अन्य राजनीतिक लोगों अथवा अधिकारियों के रिश्तेदारों को ही नियुक्ति दी गई है। याची के अनुसार उसने लिखित परीक्षा में 200 में से 145 अंक प्राप्त किए थे और वह लिखित परीक्षा में टॉपर था, लेकिन उसे इंटरव्यू में 25 में से मात्र 7 अंक दिए गए और उसे प्रतीक्षा में रख दिया गया, जबकि कम अंक वाले चहेतों को इंटरव्यू में क्लियर किया गया। तो दोस्तों, अब इस वाली भर्ती पर भी कोर्ट का केस चलेगा और अब इस पर भी आपको नई एक और 31 मई की जो हियरिंग है वो दे दी गई है। याची के अनुसार जिन 9 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है उनमें हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भतीजा हरदीप सिंह भी शामिल है। अन्य चयनित अभ्यर्थियों में हरियाणा के तत्कालीन राज्यपाल के एडीसी जगप्रवेश दहिया का बेटा वरुण दहिया, विधायक आनंद सिंह धंधी का रिश्तेदार दीपक, तत्कालीन विधायक आनंद कौशिक का भतीजा नवीन शर्मा, हुड्डा के एक नज़दीकी कार्यकर्ता और आईजी शेर सिंह का रिश्तेदार नवीन सांगू, हुड्डा की पत्नी आशा हुड्डा के एक नज़दीकी रिश्तेदार अमरजीत सिंह का बेटा बिपिन, यानी कि उस सारी भर्ती में जो ये आपके चयनित लोग हैं उन सभी पर ये आरोप है कि वो सभी जो हैं वो आपके जो सीएम वगैरह हैं इनके रिश्तेदार हैं, इन्हीं को इसमें लगाया गया है। और जिस बच्चे ने याचिका डाली है वो उसने रिटर्न एग्ज़ाम में टॉप किया था, लेकिन फिर भी उसे इंटरव्यू में कम मार्क्स मिले और उसका जो रिज़ल्ट है वो स्थगित कर दिया गया। तो दोस्तों, अब देखते हैं इस भर्ती का आगे क्या नतीजा निकलता है। हरियाणा की हर भर्ती दोस्तों अब कोर्ट में जाने लगी है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमें यही अपडेट देनी थी और आपको यही बताना था, हरियाणा में होने वाली भर्तियों से बचें, यहाँ पर कोई भी भर्ती आपको समय तक नहीं देखने को मिलने वाली। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतनी अपडेट देनी थी। अपडेट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी और अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।